मुहर्रम जुलूस को लेकर भोली थाना क्षेत्र के पांडरपाला स्थित कुम्हार टोली में बुधवार की शाम तय रूट से अलग मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया। इस दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धनबाद के पांडरपाला में धारा 144 लागू अगले आदेश तक किया गया था और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। वहीं आज जिला प्रशासन एवं दोनों समुदाय के लोगों ने शांति समिति के साथ सभी सदस्यों को लेकर पूरे क्षेत्र में सद्भावना रैली निकालकर अमन चैन का संदेश दिया। बता दें कि शहर के माहौल को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और अशांति को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न धर्मों एवं स्वर्ण समाजों की ओर से मंगलवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली का आयोजन किया गया। सद्भाव रैली का जगह जगह हिंदू एवं मुसलमान समाज के लोगों ने सभी का स्वागत किया तथा क्षेत्र में शांति बहाल करने का संदेश दिया। वहीं इस सद्भाव रैली में भाजपा नेता अमरेश सिंह, जिला प्रशासन के लोग, भूली थाना प्रभारी, बैंक मोड इंस्पेक्टर, CEO धनबाद व क्षेत्र के कई गणमान्य लोग सद्भावना रैली में सम्मिलित हुए। एरिया में शांति मार्च करने के लिए दोनों समुदाय के लोग हैं हमारे साथ, प्रशासन है हमारे साथ। आप सबों से निवेदन करते हैं कि अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें, कोई विधि व्यवस्था का इश्यू आने से तुरंत खबर करें, जो भी इश्यू है पहले आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जहाँ तक है हम लोग तो आपके साथ हैं, लेकिन ये एरिया आपका है, ये रहते हैं आप लोग हैं, आप लोग को आपस में अपना सौहार्द प्रेम आदर मान बना के चलना है, तो आपस में अपना प्रेम बना के रखें। और जहाँ तक है हम लोग सब तो आपके साथ हैं, आपका शांति मार्च का उद्देश्य यही है आप लोग के बीच में ये बोलने का कि अपने बीच का आपसी प्रेम मिलाप बना के रखें, नॉर्मल जीवन जीने का कोशिश करें और हम आपके साथ हैं। इस गांव में आए हैं शांति मार्च के लिए, लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आपका यह क्षेत्र पहले भी शांत था, आज भी शांत है, कल भी शांत रहेगा, तो इसको बना कर रखें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है या कहीं लग रहा है कि समस्या बिगड़ सकती है, अविलंब सूचित करें हम लोगों को, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करें। साथ ही एक और अनुरोध होगा कि ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व जो आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, एक दो व्यक्ति के चलते आज हम लोग का शांति मार्च करना पड़ रहा है, आपके समाज में समस्या बढ़ रही है, उन लोगों को हमसे ज़्यादा चिन्हित आप करिए और आप कर सूचित करें। हमारे थाना प्रभारी, भूली प्रभारी अभिनव बाबू भी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोगों का जल्द से जल्द सालों के पीछे भेजें। धन्यवाद। अभी धारा है लगा हुआ है, धीरे धीरे करके हम लोग इसको आगे समाप्त करेंगे। हम से यहाँ के रहने वाले वे पांडरपाला सहित धनबाद के सभी लोगों को विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये चिंगारी जिसने भी भड़काई थी, ये दोबारा कभी नहीं भड़कनी चाहिए। ये शहर धनबाद जो है अपना अमन और शांति का शहर है। आज हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग शांति मार्च निकाल रहे, तो शांति प्रिय शहर था ही और रहेगा। जो भी ऐसे भी शख्स जो यहाँ का शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फिर कानून की देखरेख में कार्रवाई करेगा। मैं यहाँ के सभी लोगों को विनम्र निवेदन के साथ मैं बोलना चाहूँगा, इस टाइप की कोई भी हरकत ना हो, कुछ भी अगर कोई बात है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद है 24/7। आप इसकी सूचना त्वरित थाना प्रभारी को दें और मैं
फिर पुनः मैं बोलना चाहूँगा, ये शहर शांति का था, है और रहेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के जितने लोग आप दिख रहे होंगे जो शांति मार्च में हैं, कभी भी यहाँ का मन बिगड़ने नहीं देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। समस्या खड़ी कर दी गई थी जिसके कारण धारा 163 के तहत कार्रवाई की गई। आज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक छूट दी गई है और इसी छूट का हम लोग शांति समिति, शांति चाहने वाले लोगों ने और पूरे पांडरपाला, इस्लाम नगर, शमशेर नगर, रहमतगंज, कुम्हार टोली और ये काली मंदिर में ला के हम लोग घूम के अपील किए हैं और सबको शांति बनाने के लिए अनुरोध और अनुरोध किया गया है। आप लोग के भी मीडिया के माध्यम से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इस प्रचार प्रसार में सहयोग करें, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए पहले उसका सत्यापन कर लें कि अफवाह सच्चाई है, अफवाह में सच्चाई है या नहीं है, और अपने विवेक का, हर लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करते हुए अपने जांचें, घटना को सत्यापन कराएं थाना से, उसके बाद आगे अब कानून व्यवस्था को तो अपने हाथ में किसी भी कीमत पर ना लें। धन्यवाद। सात बजे शाम तक जो छूट मिला है और आज 4 दिन के बाद आज पहली बार दुकानें खुली हैं और आवागमन सामान्य हुआ है यहाँ पर, इसको देखते हुए हम लोग हिंदू और मुस्लिम समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं और यहाँ के जो ग्रामीण, स्थायी ग्रामीण हैं, उन लोगों के साथ हम लोग आज एक शांति मार्च किए हैं पूरे पांडरपाला क्षेत्र में और वरीय पुलिस अधीक्षक और हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं उनके आदेशानुसार ये सभी चीज़ें हुई हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था बहाल रहे, जैसे पूर्व में भी लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक रहते थे और सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था, वैसे ही आगे भी रहे। और अगर कोई भी किसी को लगता है कि कहीं पे कुछ कोई लोग असामाजिक तत्व हैं जो कुछ गलत करना चाह रहे हैं, उनका सूचना शासन को दे, मेरा नंबर हम सभी साझा करेंगे और हम चाहेंगे कि हम हर मोहल्ला में बैठ करके एक अलग से मीटिंग भी करें रोज़ रोज़ और सभी को समझाएं कि जितना हम लोग खुशी, अमन, चैन, शांति से रह सकते हैं, लड़के कभी नहीं रह सकते हैं। जय हिंद। शांति व्यवस्था अमन के साथ जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से रहेंगे। होली थाना प्रभारी और दोनों समाज के मिलकर ये अमन शांति के साथ जो जुलूस निकाले हैं, इसका मकसद यही है कि पहले की तरह हम लोग एक साथ रहे, जिस तरह से रहते थे, खाना पीना, सोना, जो भी मामला हमारे थे बस उसी तरह रहेंगे, किसी तरह का कोई संप्रसार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी किस्म की गुस्ताखी करता है तो वो कानून का सजा भुगतेगा। जिला प्रशासन और जितने आए हुए हैं हमारे मोहल्ले में, ये सभी हम लोगों की मदद के लिए आए हुए हैं। आप सभी हजरात से, बिलखुसूस नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, इन जुलूस को देखें आप और इससे सबक हासिल करें कि किसी बच्चे की एक होती है तो इसकी सूचना अविलंब प्रशासन को दें। प्रशासन आपके सहयोग के लिए तैयार है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को अपने हाथ रखना है। hey,
पीछे पीछे दीजिए, पीछे पीछे दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। गलन किया जाए।